या मैं कहूँ तुमसे बयां के राजा से रानी मिली थी कहाँ। वैसे राजा और रानियों की बातें तो होंगी आज पूरे दिन। सबसे पहले करते हैं आपका स्वागत, मैं आपका दोस्त आपका शेफ वरुण इनामदार और आपका बहुत बहुत स्वागत। अब बढ़ते हैं आज की रेसिपी। मैंने शुरुआत की थी राजा और रानियों के साथ, अब क्यों की भाई, कि इसलिए कि आज की जो रेसिपी है ना बड़ी रॉयल सी है, बड़ी शाही सी है। हम बना रहे हैं शाही टुकड़ा। अब शाही टुकड़ा के जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो आप देख ले। वैसे हमें सबसे पहले बनानी है रबड़ी, और रबड़ी के लिए हमें लगेगा 1 लीटर दूध, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 कप खोया जिसे हम मावा भी कहते हैं, 1 टीस्पून गोल्डन हार्वेस्ट का हरी इलायची का पाउडर। ब्रेड का लेयर जाएगा, ब्रेड के लेयर के हम लेंगे 8 से 10 स्लाइसेस ब्रेड के, आप जो वैरायटी के ले आप ले आपकी मर्जी। फ्रेश एंड प्योर का हम घी लेंगे फ्राइंग के लिए, और केक की असेंबली के लिए हम लेंगे 1 कप बढ़िया सा मैंगो जूस, 1 कप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज जो सीजन में है, 1/4 कप मेरा स्वाद इस ब्रांड का आप ले गुलकंद, बढ़िया सा फ्रेश सा मीठा मीठा और रोजी टेस्ट का, थोड़े से पुदीने के पत्ते, और 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे चिरौंजी। शुरुआत करते हैं शाही टुकड़ा केक के साथ। पैन ऑन कर लेते हैं, कढ़ाई ले लेते हैं, और उसमें हम डालेंगे दूध। इसको आप स्टर करते रहें। आप फिलहाल फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू हाई रखें, ज़्यादा आप कम भी ना रखें, क्योंकि हमें बनानी है रबड़ी। हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, ये लीजिए। चलिए इसे आप स्टर करते, ये देखिए आराम से इसे आप होने दे। देखिए दूध की जो रेसिपी होती है ना उसमें यही होता है कि उसको आराम से पकाना होता है ताकि दूध जो है ना नीचे लगे ना। अब चलिए जब तक दूध पकता है और दूध रिड्यूस होता है थोड़ा आगे बढ़ते। अब हमने ये किया है कि स्लाइस ब्रेड लिया है वाइट वाला, उसके जो किनारे हैं वो काट लिए हैं, आपकी मर्जी, आप काटना चाहे आप काटें, नहीं काटना चाहे नहीं काटें, इसको कट कर लें। चलिए हमने ले लिया है घी, आप देखोगे क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था, आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी वांटेड। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे स्क्रेप करते रहें साइड से। आ जा, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप आराम से इसे करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ये देखिए मैंने वैसे रबड़ी का जो फ्लेम है ऑफ कर दिया है, और इसमें मैं डाल रहा हूं खोया। वैसे सब नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, उसको मिक्स करो आप। ये देखिए ब्रेड का ये पहला टुकड़ा जो है वो हो चुका है, और घी में पका है भाई, शाही सी रेसिपी है। हम ले लेते हैं बेकिंग डिश। अब बेकिंग डिश है हमारी ये, अब इसमें हमें करने हैं लेयर्स। लेयर्स कैसे करने हैं बताते हैं। हम ये करेंगे कि ब्रेड जो है उसकी हम लेयर बना देंगे, ये देखिए ये हमने पहली लेयर लगा दी। इस पे हम डालेंगे जूस। अब जूस जो है थिक सा मैंगो का जूस ले। अब इसमें हमें डालनी है रबड़ी, गरम गरम ही हम रबड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ये जो स्टाइल है वो स्टाइल होगी बेक्ड वाली। थोड़ा सा ऐसा आप लेवल करें, और इस पे हम डालेंगे दूसरी लेयर हमारी, तो ऐसा बढ़िया सा गुलकंद आप ले ले। इस पे डाल देंगे रबड़ी का फाइनल लेयर, इसको आप थोड़ा सेट करें। अब इसको हम डालेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर हमारे प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट के लिए। तो ये डालते हैं और हम लगते हैं दूसरे प्लेटिंग पर। चलिए अब पीछे है वैसे अक्षय ने हमारे लिए यहां एक रिंग मोल्ड लिया, और रिंग मोल्ड में उसने कर दी इसकी तैयारी, ये देखिए। शुरुआत करते हैं हम स्ट्रॉबेरीज के साथ। इसके ऊपर हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, और लेनी है थोड़ी सी आइसिंग शुगर। ये है चिरौंजी, तो थोड़ी सी चिरौंजी यहाँ वहाँ डाले, और ये तैयार हो गया हमारा शाही टुकड़ा केक। तो मस्त रहो,
खाते रहो और आबाद रहो. नमस्कार.